श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र। जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो, उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखिए। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूँ, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो उसको एक डायरी में लिख कर रखना, आज की तारीख से लेकर कुछ महीने के बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर कर लौटाया कि नहीं लौटाया, वो कृपालु वो दया उसकी कृपा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार, जब उनका फोन समीर जी आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर छोली भरी, वो क्या देता है कैसे देता है ये उसके ऊपर है, कितना देता है ये उसके ऊपर, कृपा कम नहीं। क्या होता है शिवपुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से, शिवपुराण कहती है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।